जहां पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा के विषय है, वहीं इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राम कुमार बालिया ने किया सरकारी बिल का पूर्ण समर्थन और यहां तक चेताया कि यदि नहीं लोग माने तो हम भी करेंगे कृषि बिल के समर्थन में आंदोलन। आप देखिए क्या कुछ कहते हैं इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार बालिया जी। मैं चौधरी राम कुमार वालिया, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड और राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन किसान यूनियन, आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए जो आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई है, ये किसी के समर्थन में या विरोध में नहीं है। कुछ बातें हैं जो हम अपने संगठन के माध्यम से आज बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बात तो यह है कि इंडियन किसान यूनियन पिछले कई वर्षों से किसानों के हित का काम कर रहा है। किसानों की समस्याओं का निदान कराना, उनको जागरूक करना, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना, उनको जानकारी देना, ये सब काम हमारा संगठन कर रहा है। जो केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून तीनों लागू किए हैं, हमारे संगठन के विद्वान पदाधिकारियों ने उनको पढ़े हैं और उनका विश्लेषण करने के बाद उनके समर्थन करने का निर्णय लिया है तीनों कानूनों का। हमने इस पक्ष में केंद्र सरकार को, माननीय कृषि मंत्री जी को पत्र भी लिखा है और उसका समर्थन करके उनसे कहा है कि एक बात तो यह है कि ये कानून लागू किए जाने चाहिए, ये किसानों के हित में है, किसानों की दशा दिशा को सुधारने वाले हैं, किसानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये कानून किसी भी दबाव में आकर वापस ना लिए जाए, नहीं तो इंडियन किसान यूनियन फिर इसके पक्ष में आंदोलन करने का काम करेगी। दूसरी बात, 28 तारीख को इन्हीं मुद्दों को लेकर पूसा भवन नई दिल्ली में एक किसानों के प्रतिनिधियों की बैठक सरकार ने रखी है, जिसमें केंद्र सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी भी भागीदारी करेंगे, किसानों के प्रतिनिधि भी भागीदारी कर रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ भी भागीदारी कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं किसानों के प्रतिनिधियों से कि वो भी आए, उसमें भागीदारी करें, अपने पक्ष रखें।